मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम हो सभी में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, और थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो है लेकिन इसको समझ जाइएगा तो आपको ये बहुत कारगर चीज हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ हम यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि पदार्थ जो है का अवस्था, ठीक है, पदार्थ का अवस्था जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे इसका अवस्था जो होता है, देखिए लिखते हैं अवस्था जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्था हम लोग जनरली पढ़े थे, ठीक है। और चौथा अवस्था भी हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा को कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, आप देखिए प्लाज्मा तक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक पांचवा अवस्था भी है जिसको हम लोग कहते हैं बोस, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो हुआ आपका पांचवा अवस्था हुआ, ठीक है, ये हुआ पांचवा अवस्था, कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और ये आप जानते हैं कि चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा, ठीक है, चौथा अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ का हम लोग पांच अवस्था पढ़े, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, और उसके बाद पांचवा अवस्था जो है आपका बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठीक है। इसमें आइंस्टीन और बोस ये दोनों मिल करके ये बना है चौथा अवस्था, दोनों वैज्ञानिकों के सहयोग से। अब देखिए इसमें जो है होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। जैसे देखिएगा, ठोस से सीधा अगर द्रव में बदल जाए तो क्या होगा, ठीक है, द्रव से गैस में बदल जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है, आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा और याद हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिखते हैं, पहला तो ये ठोस से द्रव बन रहा है। देखिए, मान लिया जाए ये कोई ठोस है, इसको से यानी पिघल करके और ये क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, ठीक है। तो ये जब ऐसा स्थिति जब होगा तो ठोस से द्रव बनेगा, तो कहने का मतलब कि वो ठोस जो है गल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये गलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलन, ठीक है। अब देखिए, ठोस जो है, ठोस से द्रव बन गया तो वो क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। अब देखिए, गलन होता है और एक गलनांक होता है, ये दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग और मार देते हैं गलत, ठीक है। यहाँ गलन और एक और बताएंगे क्वथनांक, चलिए दोनों का चर्चा बाद में करेंगे, चलिए पहले देख लीजिए। तो ठोस से जो सीधा द्रव में बदलेगा, यानी ठोस गल के द्रव बन गया, ठीक है। आप देखिए, कोई द्रव है वो जो है ठोस में बदल रहा है, द्रव है यानी पानी है, वो ठोस ही, कहने का मतलब बर्फ बन गया यानी जम रहा है, यानी हिमीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हिमीकरण, हिमीकरण, ठीक है, हिमीकरण, इसको कह सकते हैं जमना, ठीक है। अब देखिए, ये ठोस से द्रव हो गया तो गलन, द्रव से ठोस हो गया तो हिमीकरण। अब यहां देखिएगा, द्रव से जो गैस में बदलेगा उसको कहेंगे क्या, तो उसको कहेंगे बाष्पन, बाष्पन, ठीक है, क्या कहेंगे, बाष्पन कहेंगे। द्रव से जो गैस में बदलेगा उसको बाष्पन कहेंगे। अब देखिए, जो गैस है वो द्रव में बदल जाएगा, जैसे देखिए कोई द्रव है उसको गर्म कीजिएगा तो जो है बाष्प में बदलेगा। अब कोई गैस जो है वही बाष्पवा, जब गर्म करते हैं तो ऊपर में तली में जो किसी से बर्तन से ढक देते हैं तो ऊपर में रहता है पानी जैसा, ठीक है,
और उसको जो है फिर वो जो है गैस बना हुआ चीज जो है पुनः द्रव में बदलता है, उसको कहते संघनन, 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 ठीक है। संघनन कहेंगे किसको, द्रव गैस से जो द्रव में बदल जाएगा उसको संघनन कहेंगे, और द्रव से बाष्प में बदल जाएगा तो वो बाष्प, द्रव से गैस में बदल जाएगा बाष्पन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसा है जिससे लोग फंसते हैं। देखिए गलन, गलन और एक गलनांक, बाष्पन और एक जो है क्वथनांक, ठीक है। तो देखिए वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है उबलता है वो क्वथनांक कहलाता है, ठीक है, वह जो है क्वथनांक कहलाता है। फिर जो है यहाँ गलन की बात आ रहा है, कोई ठोस जो है द्रव में बदल रहा है तो वो गलन हो रहा है, ठीक है। लेकिन गलनांक क्या होगा, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस से द्रव में बदल रहा है वो कहलाएगा क्या, गलनांक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि गलनांक यहां मार दीजिएगा यहाँ क्वथनांक मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई ठोस जो है अगर गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं क्या, उधर्वपातन, उधर्वपातन, ठीक है, उधर्वपातन, उधर्वपातन, यानी ठोस है ठोस से गैस, जैसे आप बहुत सारे जानते हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब जो है आपका नौसादन, ये सब जो है आपका उधर्वपातित पदार्थ है, जैसे कपूर है ना। अब देखिए जब ठोस से गैस में बदला तो उधर्वपातन कहते हैं, जबकि गैस से अगर ठोस में बदल जाए तो इसको निछालन कहते हैं, क्या कहते हैं, निछालन, छालन, या कहेंगे निक्षेप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गैस, अब देखिए यहां आता है गैस से प्लाज्मा बन जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, गैस से प्लाज्मा में बदल जाएगा तो क्या होगा, ये होगा क्या, आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण, ठीक है, आयनीकरण। अगर प्लाज्मा से गैस बन जाए तो क्या होगा, नी आयनीकरण, नी नी आयनी करण, नी आयनी, नी आयनीकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2, 4, 6, 8 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको समझ के और इसको बनाना है, ठीक है। जो भी ठोस है वो अगर बदल गया, देखिए इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है विद्यार्थियों को। देखिए ठोस, ठीक है, ठोस से जो है अगर द्रव बनेगा तो क्या होगा, फिर जो है अगर द्रव से ठोस बनेगा तो क्या होगा, साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो है आपका द्रव से गैस बनेगा तो क्या होगा, और गैस से द्रव बनेगा तो क्या होगा, फिर जो है आपका ठोस से गैस बनेगा, ठोस से गैस बनेगा तो क्या होगा, फिर जो है आपका गैस से ठोस बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो है हम आपको बताते हैं, ठोस है उससे बदल गया द्रव में तो ये क्या हो गया, गल गया, यानी गलन हो गया, ठीक है। अगर द्रव है, द्रव से जो है बदल गया ठोस में तो ये क्या होगा, द्रव था और बदल गया क्या, ठोस में, यानी जम गया, तो हिमीकरण, ठीक है, हिमीकरण, हिमीकरण। अब कोई द्रव है वो बन गया गैस, तो द्रव से गैस बनेगा कब, उसका बाष्पन होगा, बाष्पन, ठीक है, बाष्पन। अब जो है गैस से द्रव में बन गया तो ये संघनन होगा, संघनन, ठीक है। फिर ठोस है और ठोस से बन गया गैस तो उधर्वपातन, उधर्वपातन, ठीक है। इसके बाद जो है गैस है वो बन गया क्या, ठोस, तो ये होगा निछालन, निछालन, ठीक है, निछालन।
अब जो है यहाँ हम लोग दो और किए हैं जो यहाँ पे हम लिखते हैं। क्या किए हैं कि गैस जो है अगर प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहेंगे, आयनीकरण, आयनीकरण कहेंगे। अगर प्लाज्मा जो है गैस में बदल जाए तो क्या कहलाएगा, तो ये निआयनीकरण कहलाएगा, निआयनीकरण, ठीक है, निआयनीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये पदार्थ जो है ये पांच अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा चौथा अवस्था, हमेशा एग्जाम में आता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक ठीक है, ये पांचवा अवस्था है। अब देखिए इसी में हम लोग किए कि अगर ठोस है और द्रव में बदल जाएगा तो गलन कहलाएगा, द्रव है ठोस में बदल जाएगा तो हिमीकरण कहलाएगा, द्रव है गैस में बदल जाएगा तो बाष्पन कहलाएगा, गैस है द्रव में बदल जाएगा तो संघनन कहलाएगा, ठोस से गैस बदल जाएगा तो उदरपातन कहलाएगा, और गैस से ठोस बदल जाएगा तो निक्षारण कहलाएगा, और गैस से प्लाज्मा अगर बनता है, प्लाज्मा में परिवर्तित होता है तो आयनीकरण कहलाएगा, और प्लाज्मा से गैस बदलता है तो निआयनीकरण कहलाएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसमें हम दो बात को आपको ध्यान रखने के लिए बोले हैं, गलन के पास जो है गलनांक और बाष्पन के पास क्वथनांक, ठीक है। तो वो जो होता है ताप होता है, जिस ताप पर जो है कोई ठोस जो है द्रव में बदलता है वो कहलाता है गलनांक, और यहाँ क्वथनांक हम बताए हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, ठीक है, उबलना शुरू होता है उसी को कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये निक्षारण की जगह थोड़ा सा निक्षेप निक्षेप कर लीजिए, निक्षेपण, हाँ निक्षेपण ज्यादा बढ़िया होगा, निक्षेपण निक्षेपण कर लीजिए ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, निक्षेपण, हाँ यहाँ है निक्षेपण, हम जखन लिख रहे थे निक्षारण उस समय हम बोल रहे थे निक्षेप भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे निक्षेप निक्षेपण लिख लीजिएगा ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्क्रीन शॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।